हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के हम इस वीडियो में वी एम यू एम एम एस सी फाइनल ईयर का जो पेपर होता है एम ए एम एस सी एम टी जीरो एट नोमरिकल एनालिस दिसंबर दो हज़ार बीस का जो पेपर हुआ था उसको लेकर हम चर्चा करेंगे इसमें आपका जो सोल्यूशंस है कौन से पेज नंबर पर है आपके रेफरेंस बुक में उसमें कौन से क्वेश्चन इस पेपर में इंपॉर्टेंट हैं इन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे तो आइए वीडियो शुरू करते हैं यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए फर्स्ट का जो फर्स्ट है इसका आंसर है आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर एट पर न्यूटन रेप्शन मैथड इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए और इसका जो मेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए आगे है फर्स्ट का जो सेकेंड है इसका जो आंसर है वो है आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर सिक्स और पर आगे है थर्ड नंबर थर्ड नंबर का तो आंसर है आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर वन फाइव वन पर लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसका आंसर है पेज नंबर वन वन नाइन पर आगे है फाइव नंबर फाइव नंबर मिनिमैक्स प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है फाइव नंबर पर जो है मिनी मैक्स प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है इसका आंसर है पेज नंबर वन फोर एट पर आगे है इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसमें आपको पता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जो है एक ही पॉइंट पर डिफाइंड डिफ़ाइन होती हैं बाउंड्री वैल्यू जो प्रॉब्लम है दो अलग अलग पॉइंट पर डिफाइन होती है ये मेन डिफरेंस है और नोट्स में भी इसको परिभाषित किया हुआ है आगे है राइट एंड टू प्रॉपर्टीज़ इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर एट सिक्स पर आगे है एट नंबर मल्टी स्टेप और सिंगल स्टेप जो है इनका जो डिफरेंस है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा आगे है क्वेश्चन टू इसका जो आंसर है वो है आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर टू फाइव पर आगे है थर्ड नंबर इसमें आपको ये जो मेथड है चैप्टर थ्री एंड फोर पर दिया हुआ है ये आपको पढ़ना पड़ेगा उसी के बाद आप इसको कर पाएंगे आगे है क्वेश्चन नंबर फोर फोर का जो आंसर है वो इंपॉर्टेंट है हमेशा एक पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन इसका आंसर है पेज नंबर वन टू टू जैसा आगे है क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव का जो आंसर है वो है आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर एट एट जैसा पेज नंबर एट एट पर क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको ये मेथड है न्यूटन रेपसन मेथड ये आपको पढ़ना पड़ेगा रूट फाइंड आउट करने के लिए उसी के बाद आप इसको कर पाएंगे इसमें थोड़ा सा पेपर जो है चेंजमेंट होता है तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आगे है क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन का जो आंसर है आपके पास दो चैप्टर हैं चैप्टर एलेवन एंड ट्वेल्व इसमें जो एग्ज़ाम्पल हैं टोटल पाँच एग्जाम्पल हैं उन सभी को आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेवन मोस्टली एक क्वेश्चन तो इन पांच एग्जाम्पल से हमेशा आता है तो जो पांच एग्जाम्पल हैं उनके जैसा ही, ही ये क्वेश्चन है थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है इसमें दो चार क्वेश्चन की तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा आगे है क्वेश्चन नंबर एट एट का जो आंसर है वो है आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर वन सेवन टू पर अब नाइन नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है पेज नंबर वन नाइन सिक्स पर दोस्तों आज हमने दिसंबर 2020 का जो पेपर था न्यूमेरिकल एनालिस उसको लेकर चर्चा की नेक्स्ट वीडियो में जो आपका नेक्स्ट पेपर होता है उसको लेकर चर्चा करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम